Assalamu alaikum everybody and welcome to my channel Hello Vlogs. Hope you all are well. I'm back with yet a very easy recipe. Jo recipe aaj main aap logon ke saath share karne lagi hu wo meri favorite recipe hai shrimp dynamite ki. Hum sab I'm sure PF Chang jaake isko enjoy karte hain. So I decided to share this simple recipe with you all so you can make it at home and enjoy with your friends and family. Bahut easy aur quick banne wali recipe hai. इन आर फर्स्ट स्टेप हम जो है इसके सॉस रेडी करेंगे जिसमें हमने मेयो लेनी है और चिली सॉस लेनी है स्वीट एंड चिली सॉस लेनी है सराचा सॉस लेनी है एंड सम हनी एंड जो है इसको अच्छे से विस्क करके आपकी जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी. ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है. आप चाहें तो आप इसको और भी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं. इसको आप बर्गर्स में डाल सकते हैं रैप्स में डाल सकते हैं. आप अपनी किसी भी चीज़ के साथ किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं. ये बहुत मज़े की सॉस है एंड आप लोग इसको बना के अपने फ्रिज में जो है स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के इंजॉय कर सकते हैं. तो ये जी हमारी सॉस रेडी हो गई है एंड नाउ वी विल लीव इट असाइड और हम अपने जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हमने अपनी जो श्रिम्प है उसको फ्राई करना है. मैंने जी यहाँ पे ली है जंबो श्रिम्प. आई थिंक इसके बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो जंबो श्रिम्प से ही आते हैं. तो आप भी ये जो है पैकेट ऑफ जंबो श्रिम्प लेकर आएँ. उसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ आपने जो है उसको मैरिनेट करना है और इसमें सोया सॉस डालना है. कोई भी आप डार्क लाइट सोया सॉस ऐड कर सकते हैं एंड यू हैव टू एड वन एग. तो ये जी आपने जो है ये थोड़ी सी चीज़ें डाल के श्रिम्प को अच्छी तरह जो है मिक्स करना है इन चीज़ों के साथ और फिर आपने इसको कोट करना है कॉर्न स्टार्च में. कॉर्न स्टार्च से कोट करने का फ़ायदा ये होएगा कि आपकी श्रिम्प जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और जब आप उसको सॉस में ऐड करेंगे तो वो सॉगी नहीं होएगी क्योंकि इसकी आउटर लेयर जो होएगी वो ऑलरेडी बहुत क्रिस्पी होएगी. तो उससे ये जो है उसका सारा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इन्हेंस होता है. तो ये हमने अपना मैरिनेट कर दिया है श्रिम्प एंड नाउ वी विल टेक सम कॉर्न फ्लोर और उसको हम जो है ईच श्रिम्प है उसमें उसको डिप करेंगे कॉर्न स्टार्च में एंड देन वी विल फ्राई. बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है. आई एम श्योर कि हम सब रेस्टोरेंट जाके इसको एंजॉय करते हैं लेकिन द क्वांटिटी वी लाइक टू हैव वो रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है. इट कम्स एज अ एपेटाइज़र एंड आई नो कि हम लोग इसको इससे ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं एंड द अमाउंट वी गेट इन अ रेस्टोरेंट इज़ नेवर फुलफिलिंग. सो यू कैन ऑलवेज ट्राई एट होम. सो ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है. लगता है जैसे बहुत फैंसी और बहुत एलैबोरेटेड सी रेसिपी होगी बट इट्स नॉट ट्रू. आप बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं चाहिए. ज़्यादा मैरिनेशन भी नहीं चाहिए. क्विकली अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप ये बना सकते हैं. अब मैंने जो है अपनी श्रिम्प को हीटेड ऑयल में जो कि मीडियम टू हाई हीट पे ऑयल है आपने ठंडे या इवन वार्म मिल्क सॉरी ऑयल में आपने इसको ऐड नहीं करना वरना आपकी श्रिम्प जो है उसका जो सारा टेक्स्चर है ये जो सारी इसकी कोटिंग है वो जो है उतर जाएगी. तो आपने इसको मेक श्योर कि आपने इसको गरम ऑयल में ऐड करना है और इसको आपने फ्राई करना है 1 मिनट पर साइड. फिर आपने इसको उल्टा के दूसरी साइड से करना है अंटिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन और फिर आपने उसको जो है पेपर टॉवल पे निकाल लेना है. ये देखें जी हमारी कितनी प्यारी श्रिम्प है. अब इसको हम जल्दी से जो है हमने सॉस पहले से प्रिपेयर की हुई थी उसको हम इसमें मिक्स करेंगे और देन यू सर्व इट. यू कैन आल्सो डेकोरेट विद स्कैलियंस और लेटस एनीथिंग यू लाइक. यू कैन आल्सो सर्व इट विद लेटस एंड आइसबर्ग. तो ये थी हमारी आज की रेसिपी. आई होप यू लाइक इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़.